स्टार्ट विद सम नंबर 7। 7th प्रॉब्लम जो है यहां पे आपको मंथ दिया है नवंबर। ये जो मंथ है नवंबर, ये आपको जर्नल का जो डेट कॉलम है, जर्नल का ये जो डेट कॉलम है, इस डेट कॉलम में आपको एक ही बार लिखना है मंथ। मंथ यू हैव राइट ओनली वंस। नवंबर फर्स्ट, तो नवंबर ये जो मंथ है, ये मंथ आपको जर्नल का जो डेट कॉलम है, इस कॉलम में एक ही बार लिखना है। इफ इन द प्रॉब्लम ईयर इज आल्सो गिवन, अगर सम के अंदर आपको ईयर भी दिया है तो मंथ के पहले आपको ईयर लिखना है। ईयर जो है, ईयर के लिए एक सेपरेट लाइन यूज करना है, मंथ के लिए आपको सेपरेट लाइन यूज करना है। तो डेट कॉलम में क्या होता है, डेट कॉलम में पहले आपको ईयर लिखना है एंड देन आफ्टर मंथ लिखना है। इन दिस प्रॉब्लम ईयर इज नॉट गिवन, सम के अंदर आपको ईयर दिया हुआ नहीं है। पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, मशीनरी 10,000, गुड 6,000। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, मशीनरी 10,000 एंड गुड्स 6,000। इस ट्रांजैक्शन के 4 अकाउंट्स, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट गुड्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट। बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए वर्ड है कैपिटल। अकाउंट जो है कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट। बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए वर्ड है कैपिटल अकाउंट। टाइप कैश, रियल अकाउंट, मशीनरी, रियल अकाउंट, गुड्स, रियल अकाउंट एंड कैपिटल। दिस इज पर्सनल अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन। कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। तो कैश, मशीनरी एंड गुड्स, कैश, मशीनरी एंड गुड्स, इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। तो रियल अकाउंट का ये जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश, मशीनरी एंड गुड्स, कैश, मशीनरी एंड गुड्स, दे आर कमिंग इन द बिजनेस। तो कैश, मशीनरी एंड गुड्स, ये तीनों क्या है, ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज, दे आर कमिंग इन द बिजनेस। तो इसको रूल अप्लाई करेंगे हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, मशीनरी इज ऑल्सो कमिंग इन द बिजनेस एंड गुड्स ऑल्सो कमिंग इन द बिजनेस। तो इसको रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये जो रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल कैश, मशीनरी एंड गुड्स, ये तीनों को अप्लाई किया। कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन इज गिवर, बिजनेसमैन इज गिवर, बिजनेसमैन हैज गिवन, बिजनेसमैन हैज गिवन कैश, मशीनरी एंड गुड्स टू हिज बिजनेस। कैपिटल किसका अकाउंट है, कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इज गिविंग कैश, मशीनरी एंड गुड्स टू हिज बिजनेस। तो कैपिटल को रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। यहां पे बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन ये गिवर है। बिजनेसमैन ने क्या किया, उसके बिजनेस को कैश, मशीनरी एंड गुड्स दिया है। इसका जर्नल एंट्री डेट कॉलम में, डेट 1, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
कैश कम आउट एट 20,000, मशीनरी 10,000, गुड्स 6,000 और ये कैपिटल का टोटल, तीनों फिगर्स का टोटल कैपिटल, क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम 36,000, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसका नरेशन बीन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मशीनरी एंड गुड्स, नरेशन जो है बीन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मशीनरी एंड गुड्स। सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेस का हॉर्स फॉर कैश 5,000, परचेस ए हॉर्स फॉर कैश, यहां पे हॉर्स को अंडरलाइन करना है, हॉर्स जो है हॉर्स यहां पे एनिमल परचेस किया है, यहां पे एनिमल परचेस किया है तो हॉर्स के लिए क्या करना है, हॉर्स के लिए आपको एक सेपरेट वर्ड लिखना है, हॉर्स के लिए वर्ड है लाइव स्टॉक, एनिमल जो है एनिमल के लिए वर्ड है लाइव स्टॉक अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है परचेस्ड हॉर्स फॉर कैश, यहां पे हॉर्स को अंडरलाइन करना है, हॉर्स को अंडरलाइन करो, इसके आगे वर्ड लिखना है, ये ट्रांजैक्शन के आगे वर्ड लिखना है लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक एंड कैश दे बोथ आर रियल अकाउंट, हॉर्स जो है हॉर्स ये प्रॉपर्टी एसेट है, हॉर्स ये एसेट है, इट्स ए प्रॉपर्टी, इट कम्स अंडर रियल, तो लाइफ स्टॉक अकाउंट एंड कैश अकाउंट बोथ आर रियल अकाउंट, इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, तो रियल अकाउंट का जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहां पे लाइफ स्टॉक जो है लाइफ स्टॉक इज कमिंग इन, लाइफ स्टॉक इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट, तो लाइफ स्टॉक विल बी गिवन डेबिट एंड कैश विल बी गिवन क्रेडिट। परचेस्ड हॉर्स, तो हॉर्स कम्स इन, परचेस्ड हॉर्स तो लाइफ स्टॉक इज कमिंग इन तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कैश कैश इज गोइंग आउट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेट कॉलम है डेट टू, नवंबर जो है नवंबर ये मंथ आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है, नवंबर मंथ दिस योर रिकॉर्ड ओनली वंस, तो जर्नल एंट्री विल बी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन इसका बी हॉर्स परचेस फॉर कैश, नरेशन जो है बी हॉर्स परचेस फॉर कैश। ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन पेड टू राजू, पेड टू राजू
ऑन बिहाफ ऑफ राम। यहां पे अंडरलाइन करना है ऑन बिहाफ ऑफ राम, पेड टू राजू ऑन बिहाफ ऑफ राम रुपीज 600। इस ट्रांजैक्शन के जो दो अकाउंट है, ट्रांजैक्शन आपको दिया है पेड टू राजू ऑन बिहाफ ऑफ राम, तो ऑन बिहाफ ऑफ इसके आगे नाम किसका है, राम का नाम दिया है, तो इसके दो अकाउंट जो है, दो अकाउंट है, एक राम अकाउंट एंड दूसरा कैश अकाउंट। पेड टू राजू ऑन बिहाफ ऑफ राम, तो एक अकाउंट लिया राम अकाउंट एंड 600 रुपीस के लिए कैश अकाउंट। राम जो है, राम ये पर्सनल अकाउंट है, राम इज पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। राम जो है पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। ट्रांजैक्शन है पेड टू राजू ऑन बिहाफ ऑफ राम। अभी राम ये जो पर्सनल अकाउंट है, इसको कौन सा रूल अप्लाई करना है, यहां पे ध्यान दो, राम को पर्सनल अकाउंट का ये जो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये अप्लाई करना नहीं है। राम को पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दिस रूल इज नॉट टू बी अप्लाइड हियर। पर्सनल अकाउंट का अकाउंट्स के अंदर और एक रूल है, देयर इज वन मोर रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट व्हिच इज डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। पर्सनल अकाउंट का और एक रूल है डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। अभी डेटर का डेफिनेशन, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हूम वी हैव टू रिसीव द मनी। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हूम वी हैव टू रिसीव द मनी। Creditor is a person to whom we have to pay the money. Debtor is a person from whom we have to receive the money. Creditor is a person to whom we have to pay the money. Transaction क्या हुआ है? Paid to Raju. हमने किसको pay किया? हमने 600 rupees जो है, हमने 600 rupees Raju को pay किए. Paid to Raju. Raju को हमने ये 600 rupees pay किए. राजू को पे करते समय उसको बोला दिस कैश आई एम गिविंग यू ऑन बिहाफ ऑफ राम। राजू को जो 600 रुपीस हमने कैश पे किया, ये कैश राजू को हमने क्या बोला, राजू को हमने बोला कि ये कैश मैं आपको राम की तरफ से दे रहा हूं। पेड टू राजू, हमने पैसे किसको पे किए, हमने राजू को पे किए 600। बट राजू को 600 रुपीस पे करते समय उसको हमने कहा कि दिस कैश आई एम गिविंग यू ऑन बिहाफ ऑफ राम। तो ये जो 600 रुपीस है, ये 600 रुपीस जो हमने राजू को दिए, ये 600 रुपीस जो हमने राजू को दिए, ये 600 रुपीस हमें राम से क्या करना है, हमें राम से वापस लेना है। राजू को जो 600 रुपीस दिए, राजू को जो 600 रुपीस हमने दिए, ये 600 रुपीस हमें राम से वापस लेना है। तो राम कौन हो गया, राम हो गया आपका डेटर। तो डेबिट द डेटर ये जो रूल है, ये रूल आपको राम का अप्लाई करना है। राजू को जो 600 रुपीस हमने पे किए, ये 600 रुपीस हमें राम से वापस लेना है। तो 600 रुपीस क्या करना है, राम से हमको वापस लेना है। तो राम कौन हो गया, राम हो गया आपका डेटर। डेटर का डेफिनेशन, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हूम वी हैव टू रिसीव द मनी। तो राम कौन हो गया, राम हो गया आपका डेटर। तो डेबिट द डेटर ये रूल आपको राम का अप्लाई करना है। राजू को जो 600 रुपीस दिए, ये 600 रुपीस हमें राम से वापस लेना है। तो राम से पैसे वापस लेना है, तो राम बिकम्स डेटर। तो डेबिट द डेटर ये रूल राम को अप्लाई किया। कैश को रियल का रूल लगेगा, कैश अकाउंट को रियल का रूल लगेगा, क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट। 600
रुपीज जो है 600 रुपीज दे आर गोइंग आउट, हमने राजू को पे किए, तो कैश को रूल कौन सा है, कैश को रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अकाउंट्स के अंदर क्या है, अकाउंट्स के अंदर देयर आर सर्टन एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन, देयर आर सर्टन एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन जहां पे आपको डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ये रूल अप्लाई करना नहीं है। देयर आर सर्टन ट्रांजैक्शंस वेयर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर दिस रूल इज नॉट अप्लाइड। पेड टू राजू, हमने पैसे किसको दिए, हमने पैसे 600 रुपीस राजू को दिए, पेड टू राजू, तो 600 रुपीस हमने राजू को पे किए ऑन हुज बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ राम। तो हमने जो 600 रुपीस राजू को पे किए, हमने जो 600 रुपीस राजू को पे किए ये पैसे हमें राम से वापस लेना है। तो राम कौन हो गया, राम हो गया आपका डेटर। डेटर का डेफिनेशन क्या है, डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव द मनी। तो राम से क्या करना है, राम से ये 600 रुपीस हमें वापस लेना है। तो राम बिकम्स डेटर, तो डेबिट द डेटर ये जो रूल है ये राम को अप्लाई किया, कैश को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इसका जर्नल एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600। इसका नरेशन बी, कैश पेड टू राजू ऑन बिहाफ ऑफ राम। नरेशन जो है बी, कैश पेड टू राजू ऑन बिहाफ ऑफ राम। राजू को 600 रुपीस हमने पे किए, बट ये 600 रुपीस क्या करना है, ये 600 रुपीस हमें राम से वापस लेना है। तो राम कौन हो गया, राम आपका डेटर हो गया, तो डेबिट द डेटर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स फ्रॉम दीपक रुपीस 5000 एट 3% ट्रेड डिस्काउंट। परचेस गुड्स फ्रॉम दीपक 5000 3% ट्रेड डिस्काउंट। इसके दो अकाउंट्स, एक परचेसेस अकाउंट एंड दूसरा दीपक अकाउंट। परचेस गुड्स फ्रॉम दीपक, तो परचेसेस अकाउंट दिस इज नॉमिनल अकाउंट एंड दीपक अकाउंट पर्सनल अकाउंट। परचेसेस है नॉमिनल, दीपक है पर्सनल। परचेसेस को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, परचेसेस को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेसेस जो है, परचेसेस इट कम्स अंडर एक्सपेंस, परचेसेस जो है ये एक्सपेंस है, तो परचेसेस को रूल अप्लाई करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। दीपक को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, दीपक को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है क्रेडिट द गिवर। परचेस गुड्स फ्रॉम दीपक, तो दीपक जो है दीपक के गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर ये रूल आपको दीपक पर अप्लाई करना है। दीपक इज गिविंग गुड्स टू अस, दीपक जो है दीपक ने हमें गुड्स दिए, ही इज द गिवर। अब इसका कैलकुलेशन 5000 इंटू 3% ट्रेड डिस्काउंट, 3% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5000 इंटू 3 अपॉन 100, तो 15 इंटू 3 150 हो गया आपका ये ट्रेड डिस्काउंट, 150 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट। ये जो 150 रुपीज है, ये 150 रुपीज आपको 5000 में से माइनस करने हैं, तो 5000 माइनस 150 ट्रेड डिस्काउंट, 5000 माइनस 150, तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 4850 से एंट्री करना है,
5000 के ऊपर कैलकुलेट किया है 3% डिस्काउंट, 5000 का 3% 150 रुपीज डिस्काउंट, 5000 में से 150 माइनस किया है तो जर्नल एंट्री आपको करना है 4850 से एंट्री करना है। इसका जर्नल एंट्री डेट है 18 परचेसेस अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट 4850। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, इसका नरेशन बी परचेस गुड्स फ्रॉम दीपक एट 3% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट नरेशन जो है बीइंग परचेस गुड्स बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम दीपक एट 3% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मीनिंग है विदाउट कैश, ऑन क्रेडिट इट मींस विदाउट कैश। दीपक से गुड्स परचेस किए उसको पैसे नहीं दिए, तो पैसे नहीं दिए इसके लिए आपको नरेशन में लिखना है ऑन क्रेडिट। फिफ्थ ट्रांजैक्शन सोल गुड्स टू अजय रुपीज 2000 एट 2.5% रेट डिस्काउंट, सोल गुड्स टू अजय 2000 एट 2.5% रेट डिस्काउंट। इसके अकाउंट्स सेल्स अकाउंट अजय अकाउंट सेल्स अकाउंट एंड नॉमिनल अजय अकाउंट है पर्सनल, सोल गुड्स टू अजय, सोल गुड्स टू अजय। तो सेल्स जो है सेल्स को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, सेल्स को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स, सेल्स जो है सेल्स इट कम्स अंडर इनकम, तो सेल्स को रूल अप्लाई करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अजय को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है, अजय को पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, अजय जो है अजय ये रिसीवर है तो अजय विल बी गिवन डेबिट। इसका कैलकुलेशन 2000 रुपीस पे 2.5% डिस्काउंट, 2000 पे 2.5% तो 50 रुपीज जो है 50 रुपीज ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। टू थाउजेंड पे 2.5% तो 50 रुपीज आ गया ट्रेड डिस्काउंट। ये 50 रुपीज जो है ये 50 रुपीज आपको 2000 में से माइनस करना है, तो 2000 माइनस 50 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट। तो जर्नल एंट्री जो है जर्नल एंट्री आपको करना है 1950 से जर्नल एंट्री करना है। डेट कॉलम है डेट 27, ट्रांजैक्शन है सोल गुड्स टू अजय, तो जर्नल एंट्री अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1950। इसका नरेशन
बीइंग सो यूज्ड टू अजय एट 2.5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट नरेशन जो है बीइंग सोल गुड्स टू अजय बीइंग सोल गुड्स टू अजय एट 2.5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट लास्ट ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन ₹100 वेयर स्टोलन अवे फ्रॉम कैश बॉक्स यहां पे अंडरलाइन द वर्ड स्टोलन अवे ₹100 वेयर स्टोलन अवे फ्रॉम कैश बॉक्स आपके बुकलेट के ऊपर ये जो वर्ड है स्टोलन अवे तो स्टोलन अवे के लिए वर्ड इतना है लॉस बाय थेफ्ट स्टोलन अवे इसके लिए वर्ड इतना है लॉस बाय थेफ्ट तो इसके दो अकाउंट्स एक अकाउंट रहेगा आपका लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट और सेकेंड अकाउंट है कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है ₹100 वेयर स्टोलन अवे फ्रॉम कैश बॉक्स तो स्टोलन अवे इसके लिए वर्ड है लॉस बाय थेफ्ट एंड दूसरा है कैश लॉस बाय थेफ्ट ये नॉमिनल अकाउंट है लॉस बाय थेफ्ट इज नॉमिनल कैश अकाउंट इज रियल लॉस बाय थेफ्ट नॉमिनल अकाउंट कैश है रियल अकाउंट लॉस बाय थेफ्ट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे नॉमिनल का ये जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये जो रूल है ये रूल आपको लॉस बाय थेफ्ट को अप्लाई करना है तो लॉस बाय थेफ्ट विल बी डेबिट एंड कैश जो है कैश को रियल का रूल अप्लाई करेंगे क्रेडिट वर्ड गोज आउट क्रेडिट वर्ड गोज आउट ये जो रूल है ये रूल आपको कैश को अप्लाई करना है ₹100 स्टोलन अवे ₹100 स्टोलन अवे तो कैश इज गोइंग आउट तो कैश विल बी गिवन क्रेडिट इसका जर्नल एंट्री डेट है 30 लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 100 लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश इसका नरेशन बी कैश स्टोलन अवे From cash box. Narration जो है being cash stolen away from cash box. These are the journal entries for sum number 7.